नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देखें LR न्यूज 24x7। हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जो भी एक्स CM होंगे वो अपने सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। इस विषय पे विभिन्न नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अगर खाली करने का आदेश होगा तो हम अपना ही मकान खाली करेंगे। जितना नमाजी कोर्ट नहीं जाएंगे, उच्चतम न्यायालय नहीं जाएंगे। कोर्ट जाने का हमको सलाहियत नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमको विधायक है रहने के लिए देगा ना, तो कोई भी क्वार्टर हमको दे हम उसमें शिफ्ट कर देंगे। या खाली मानसी होगी सरकार की कि इस प्रकार से अपना मकान मुख्यमंत्री जी ने ये करके दूसरे पुल में दे दिया, उसी प्रकार से एक से CM के पुल से हटाते हुए गवर्नमेंट पुल में दे करके हमको री अलाउट किया जाए। न्यायालय का जो फैसला है वो फैसला हम सब लोग के लिए मान्य है और हम सब लोग उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि TSP को जिस तरह से बंगला खाली कराएगा, अब मांझी जी कह रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो खाली करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इस बंगले में रहे अगर सरकार चाहे तो। पिछले कई वर्षों से न्यायालय का जो निर्देश आदेश होता है, निर्णय होता है, वह सर्वमान्य होता है और सब लोग उसका सम्मान करते हैं। नहीं, अच्छी बात है, हाईकोर्ट ने कहा है तो हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। और ये मेरे ख्याल से पिछले उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बात हुई थी, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के फैसले को कहा था कि ये ठीक है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले में रह बंगले से हट जाना चाहिए। और ठीक भी है, क्योंकि वो बंगला के तो आम लोगों के पैसे से ही बना हुआ है, तो आम पूर्व मुख्यमंत्री को रहने का उसमें कोई औचित्य बनता नहीं। तो आपने सुना कि विभिन्न दलों के नेताओं ने एक सुर में कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनका जो आदेश आया है हम उसको मानेंगे। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, LR न्यूज 24x7, पटना।